नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 90। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी हमारे पास क्या दिया होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल दिया होगा और उस मैग्नेटिक डायपोल को जो हम कहाँ रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा और उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा ये आज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो सेम टाइप की सिचुएशन है ना, हमारे पास कम से कम एक महीने पहले आई थी। वो सिचुएशन कब थी हमारे पास, जब हमने किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा था। और वहाँ पर एक और कंडीशन थी कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी वहाँ पर हमारे पास हेडिंग क्या थी कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने वहाँ पर टॉर्क के लिए क्या किया था, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो सेम केस आज यहां पर भी होने वाला है। हम क्या लेंगे, एक मैग्नेटिक डायपोल लेंगे और उस मैग्नेटिक डायपोल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें जो टॉर्क लगेगा उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहली चीज कि डायपोल क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। अगर मेरे पास क्या हो, एक करंट कैरिंग लूप हो, तो करंट कैरिंग लूप किस तरह बिहेव करती है, एक डायपोल की तरह बिहेव करती है, बोल सकते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर क्या लूं, एक इस तरीके से सर्कुलर लूप लूं और इसमें क्या बोलूं मैं, आई करंट फ्लो कर रही है, तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली, अगर मैं यहां पर क्या लूं, एक इस तरीके से स्क्वायर लूप लूं, तो जो स्क्वायर लूप है ये स्क्वायर लूप किस तरह बिहेव कर रही है, क्लोज स्क्वायर लूप ये किस तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है। अगर इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, कुछ आई करंट फ्लो कर रही है। सिमिलरली, अगर मैं कोई एक रेक्टेंगुलर लूप ले लूँ, कोई इस तरीके से मैंने क्या ले ली है कि रेक्टेंगुलर लूप ले ली, तो जो रेक्टेंगुलर लूप है ये भी किस तरह बिहेव करेगी, अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये भी क्या है, एक टाइप का मैग्नेटिक डायपोल है। अगर मैं इनको यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने बना भी रखे हैं, देखो, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। अगर इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी तो किस तरह बिहेव करेगा, एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली, ये भी क्या है, एक सर्कुलर लूप है। अगर इसमें कुछ करंट फ्लो करेगी तो किस तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। और उसका डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, वायर है एक्चुअल में, तो इनका डायपोल मूवमेंट m इक्वल टू कितना होता है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन और I इंटू कितना आता है, यहाँ पर dA आ जाता है, I इज कॉन्स्टेंट, I कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होता है, इसके डायपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है किससे निकालते हैं हम, डायरेक्शन, वी गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर मैं यहां पर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो उसको ऐसे घुमाऊंगा तो दिस विल डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा थोड़ा बहुत रिकैप हो गया, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एक बार क्या कर लिया हमने, फिर अगेन क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नाउ अब इन्हीं में से किसी भी एक डायपोल को हम कहां रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन डायपोल में क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और टॉर्क का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या है, एक फोर्स का एनालॉगस है। टॉर्क क्या है, एक फोर्स का एनालॉगस है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा अब आपको मैं बताता हूं ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में क्या हो, आसानी हो। तो फोर्स क्या होता है, टॉर्क का एनालॉगस होता है, जो क्या करता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन प्रदान करता है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट में क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो वो कैसा मोशन करेगा, एक रोटेशनल मोशन करेगा, यानी उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर क्या लगाता हूं, इस तरीके से फोर्स लगाता हूं, तो क्या करेगा ये, मैंने यहां पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो एक फोर्स कहां को लगा, इधर को लगा, एक फोर्स यहां को लगा, यानी क्या लगा, कपल ऑफ फोर्स लगा। तो जैसे ही कपल ऑफ फोर्स लगेगा तो ये जो लूप है वो क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने में क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ना कि फोर्स, या ऐसा बोल सकते हैं कपल ऑफ फोर्स लगता है, यानी दो फोर्स लगते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूंगा, जैसे साइकिल का हैंडल होता है ना, माना ये क्या है, साइकिल का हैंडल है, इस साइकिल का हैंडल है, इसको घुमाना चाहूंगा तो इसमें क्या कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एक फोर्स इधर को और दूसरा फोर्स इधर को, तभी ये क्या करेगा, इसे रोटेट करेगा। और कपल ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और यही टॉर्क जब हम इस डायपोल को या बोलते हैं इस लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे लगेगा, वो आज हमने क्या करना है, देखना है। और उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो भी हमें क्या करना है, आज देखना है। आई होप जो बेस है आज का हमारा टॉपिक, सॉरी लेक्चर का जो बेस है या फिर जो हमारा एम है वो आपको समझ में आया होगा। तो क्या करें, शुरू करें स्टार्ट। ओके, तो रोज की तरफ फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यूं करके, तो दिस इज माय जेड एक्सेस एंड दिस इज माय वाई एक्सेस एंड दिस इज माय एक्स एक्सेस। एक बार और, सॉरी एक चीज़ और, कि आज जो मार्कर है वो थोड़ा नया है, तो आपको जो यहाँ पर
शब्द हैं वो बहुत पतले पतले दिखाई दे रहे होंगे, एक दो लेक्चर की बात है फिर क्या आ जाएगा ये लाइन में आ जाएगा तो सही हो जाएगा सर। ओके ना अज्यूम कर लो कि ये क्या है मेरे पास ओरिजिन है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, एक मैग्नेटिक डायपोल चाहिए। मैग्नेटिक डायपोल कहने का मतलब एक हमारे हमको क्या चाहिए, एक इस तरीके से लूप चाहिए। नाउ इसमें से मैं कौन सी लूप लूँ, तो मैं वो लूप लूंगा जिसमें हमको कैलकुलेशन करने में सबसे ज्यादा क्या हो, आसानी हो। तो मैं कौन सी लूप ले रहा हूँ, ये वाली लूप ले रहा हूँ, यानी रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ। अज्यूम करो कि ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है और उसको मैं यहाँ पर ऐसे पुट कर दे रहा हूँ। कहाँ पर, इस तरीके से ऐसे पुट रख दे रहा हूँ यहाँ पर, यानी इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस कर रहा हूँ। ओके ना उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहाँ रखना है इस लूप को, यानी इस मैग्नेटिक डायपोल को कहाँ रखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखना है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। और अज्यूम कर लो कि हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो अलोंग वाई एक्सेस लगा रखा है, अलोंग जेड एक्सेस लगा रखा है। किसके अलोंग लगा रखा है, जेड एक्सेस के अलोंग लगा रखा है, कुछ इस तरीके से। माना ये जेड एक्सेस हमने मान रखी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके और हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारा वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, बी जेड कैप के बराबर है। ठीक है, जो बी है मैग्नेटिक बी वेक्टर क्या है मेरे पास, जो बी वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सेस। किस एक्सेस के अलोंग है, अलोंग जेड एक्सेस। ठीक है, ओके थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दे, थोड़ा सा पतला हो गया ना। ये डायग्राम क्या चीज है, ठीक है, अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया ना तो टॉर्क निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके ना, और ये क्या इसका ओरिजिन ओ है, ठीक है, ओरिजिन ओ नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं ना। अब हमने क्या करना है, यहां पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप को रखना है, या बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप को रखना है। माना मैंने इस रेक्टेंगुलर लूप को मैंने ऐसे रख दिया, कैसे रखा है, ऐसे रखा है, और माना कहां से, इस वाई एक्सेस से कुछ थीटा एंगल पर रखा हुआ है, वाई एक्सेस से कुछ थीटा एंगल पर रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इस तरीके से रखा हुआ है यूं करके, ठीक है, यानी वाई एक्सेस से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अब ये तो इसको तो यहां पर चिपका सकता नहीं मैं, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये जो मैंने दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से, इसको यहां पर मेरे को इस डायग्राम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बनाऊं, अब देखो फिर कैसे बनाना चाह रहा हूं मैं, ये अज्यूम कर लो कि इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देखते रहना, समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले एक इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच दो यहां पर, यू एक लाइन यहां, एक लाइन इस तरीके से यहां, फिर कुछ इस तरीके से यहां खींच दो एक, फिर इसी तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहां पे खींच दो, यू करके लाइक दिस। ये बना एक लूप बनी यहां पर है, और एक कैसी लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, जो बाकी जो एक्स टाइम को मिटा दो, मिट गया फटाफट। ओके ये लो नाउ इसमें इस तरीके से मान लो आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, यहां से आई करंट यूं आई, फिर यूं आई, फिर यूं आई, और फिर यहां से यूं चली गई। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो लूप है ऐसे क्या है, इंक्लाइन है। ठीक, कैसी लूप है, ये इंक्लाइन लूप है, ऐसे प्लेन प्लेन में नहीं रखी है, ये इस तरीके से नहीं रखी है, ये इस तरीके से नहीं रखी है, क्या कर रखी है, इस तरीके से टिल्टेड है, ऐसे क्या कर रखिए, टिल्ट कर रखिए यूं करके। ओके, और इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और अज्यूम करो कि ये जो मेरे पास लूप है, यहां से इस वाई एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, यानी वाई एक्सेस के साथ थीटा एंगल पर इस तरीके से क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है। समझ में आ रही बात, वाई एक्सेस के साथ थीटा एंगल में इस तरीके से क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है। ना अगर मैं इसका क्या निकालूं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालूं, क्या निकालूं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालूं, तो किस डायरेक्शन में होगा, कहां की ओर का बताओ। तो अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूं तो दिस विल बी लाइक दिस, यानी अगर मैं क्या लगाऊं यहां पर राइट हैंड रूल लगाऊं तो कहां की ओर होगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। तो अगर मेरे पास ये लूप है, ये क्या है मेरे पास, लूप है इस तरीके से, और यहां पर ऐसे रखी हुई इंक्लाइन, तो ये ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ऐसे घुमाओ तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, यानी एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो जो एम वेक्टर होगा वो कैसे होगा, अगर मैं यहां पर एम वेक्टर लिखना चाहूं तो एम वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, यानी इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक, किस पर, इस लाइन पर, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, इस पर परपेंडिकुलर, डॉट डॉट कहाँ है, इस जो मेरे पास इस लूप की जो क्या है सरफेस है उस पर है, तो इस पर क्या होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो मेरे पास वेक्टर निकल के आया, ये कौन सा वेक्टर है, एम वेक्टर है। समझ में आया एम वेक्टर कैसे लिखा मैंने, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, वो ये है कि ये जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ, ये थीटा है। अब ये बताओ
ये जो m है ये जेड एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियस बात है, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा, होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा, बिकॉज ये जो जेड और वाई है दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो m और ये जो लाइन है जो डॉट डॉट लाइन है ये भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ये प्रमेय हमने कहां पढ़ी थी, या ये थ्योरम हमने कहां पढ़े थे, क्लास 8th में क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, और ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं, एक बार तो कर नहीं रहे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। मान लिया एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक नॉर्मल इस लाइन पे खींच रहा हूं, तो दिस इज नॉर्मल इन दिस लाइन, और एक नॉर्मल मैं इस लाइन पे खींच रहा हूं, तो दिस इज नॉर्मल इन दिस लाइन, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। सेम सिचुएशन कहां है, इधर है या नहीं है, देखो x और y, सॉरी y और z दोनों कहें दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां से एक नॉर्मल ने किस पे खींचा, सॉरी यहां से x और y दोनों क्या हैं, नहीं ऐसे लो, देखो जो मेरे पास y और ये जो लाइन है कौन सी वाले डेड एस लाइन है, इन दोनों का एंगल कितना है, थीटा है। y और इस डॉटेड लाइन के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। जो ये m वेक्टर है किस पर नॉर्मल है, इस डॉटेड लाइन पर। जो z है वो किस पर नॉर्मल है, y एक्सिस पर, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, ओके। अब देखो डायग्राम समझो, जो टॉर्क है ना उसकी तो मतलब एक ही लाइन में जो डेरिवेशन है वो एक लाइन का है, सारा खेल किसका है, इस डायग्राम का है। अब देखो, अब देखते हैं क्या कि फोर्स कहां क्यों लगेगा, किसकी बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज और अज्यूम कर लो कि इनकी जो साइडें हैं, ये जो साइड है ये वाली इधर वाली, माना इसका जो ये जो लेंथ है मान लिया कितनी है, ए है, तो दिस इज ए, यानी यहां से यहां तक दिस इज ए, और ये जो यहां से यहां तक है लेट अस से दिस वन इज बी, ये जो यहां से यहां तक ये कितनी है हमारे पास, बी मान लिया हमने इसको, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब फोर्स देखो किसमें देखा, मैंने इस साइड में देखा, तो इस साइड में फोर्स कहां क्यों लगेगा, ये जो साइड है ये वाली, इस साइड में फोर्स कहां क्यों लगेगा। एक काम करते हैं, उससे पहले जो एक्स एक्सिस है ना इसको इसे पीछे बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, माइनस एक्स एक्सिस की ओर बढ़ा दो यूं करके, तो इस एक्स एक्सिस को थोड़ा विजुलाइजेशन करने में क्या हो जाएगी, आपको आसानी हो जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, जो एक्स एक्सिस है इसको पीछे की ओर बढ़ा दे रहा हूं, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे डैड एस करके पीछे को बढ़ा दो यूं करके, ओके, ठीक हो गया। नाउ ये, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, कि ये जो साइड है कौन सी वाली, इस साइड में फोर्स कहां क्यों लगेगा, फोर्स क्यों लगेगा, बिकॉज इट इज करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है, और ये कहां रखा हुआ है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि इस पर फोर्स कहां क्यों लगेगा। कैसे निकालोगे, अपने लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, जो मेरे पास ये वाली अंगुली होती है, क्या कहते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये कहां की ओर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, जेड डायरेक्शन में, और ये कहां की ओर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, करंट कहां की ओर है, इधर की ओर, तो फोर्स कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर, यानी कहां की ओर, उधर की ओर। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, अगर इस लूप में दिखाऊं, तो लूप ऐसी है, देखो ध्यान से देखना बात को, लूप ऐसे रखी हुई है, कैसे, ऐसे रखी हुई लूप, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं, किस साइड की बात कर रहे हैं, इधर वाली दिख रहा है आपको, इधर वाली साइड की बात करें, इधर वाली साइड में करंट कहां की ओर है, इधर की ओर है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां की ओर है, ऊपर की ओर है, थंब कहां की ओर आया, अंदर की ओर, दीवार की ओर, दीवार की ओर कहने का मतलब कहां की ओर हुआ, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में, कहां की ओर, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन, यानी फोर्स कहां की ओर लगेगा इसमें, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन, यानी फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से दिस फोर्स इज एफ वन, मान लिया फोर्स कितना है मेरे पास, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू कितनी है, एफ वन है, कितनी है इसकी वैल्यू, एफ वन है। अब इसमें देखो, इस साइड में कितना फोर्स लगेगा, जो इधर वाली साइड है, इधर वाली साइड कहने का मतलब हम किस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं। देखो इस साइड में करंट कहां की ओर है, इधर की ओर है, ऐसे है करंट, है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है, करंट ऐसे है, तो ये जो अंगुली है कहां की ओर आएगी, नीचे इस करंट की डायरेक्शन में आएगी, ये जो अंगुली है कहां की ओर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, तो थंब कहां की ओर है, आपकी ओर, यानी किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में, ठीक है। जो मैंने ये एक्स यहां को बना रखा है, एक्चुअल में एक्स कहां की ओर है, आपकी ओर है। देखो अगर मैं ये बोलूं ऐसे, देखो ये जो नीला वाला है ना, ये एक्स कहां की ओर है, आपकी ओर है, और ये क्या है, यहां से इधर को माइनस एक्स है, तो ये एक्स कहां की ओर है, आपकी ओर है। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास लूप है, ये करंट कहां की ओर है, इधर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, ऊपर की ओर, तो थंब कहां की ओर है, आपकी ओर, यानी प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में। जो मेरे पास इसमें फोर्स लगेगा कहां की ओर लगेगा, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन लगेगा, यानी यहां पर फोर्स कितना है मेरे पास, F2 है, और जो कहां की ओर लग रहा है, प्लस x कैप डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जो F1 फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, जो F1 फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, माइनस x कैप डायरेक्शन में है, और जो मेरे पास F2 फोर्स है वो कहां की ओर है, प्लस x कैप डायरेक्शन में है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो F1 और F2
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो ध्यान से देखो क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज यहां से यहां तक का जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, ए है, और इसकी लेंथ भी कितनी है, ए है। यहां भी कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, और यहां भी कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये भी बी मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये वाला भी जो लाइन सेगमेंट है ये भी बी मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड है बी का वो क्या है मेरे पास, सेम है। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों के लिए सेम है। यानी ये जो एफ वन है वो किसके बराबर होगा मेरे पास, एफ टू के बराबर होगा। एंड यहां पर जो दूसरी चीज है वो क्या है मेरे पास, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू के बराबर है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अगर ऐसा है तो यहां से क्या क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, एफ वन इज इन माइनस एक्स कैप डायरेक्शन एंड एफ टू इज इन प्लस एक्स कैप डायरेक्शन, तो इट मीन एंड बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, इट मीन एफ वन विल कैंसिल आउट एफ टू। एफ वन एफ टू क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो लिख दो यहां पर एफ वन विल कैंसिल आउट एफ टू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, जो एफ वन वेक्टर है एफ वन विल कैंसिल आउट एफ टू। यानी इन दो साइडों में, इस साइड में और इस साइड में लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये दोनों कंबाइन हो कितना फोर्स देंगे, जीरो फोर्स। या ऐसा बोल सकते हैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। F1 और F2 क्या करना चाह रहे हैं, इस लूप को ऐसे स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये लूप इस फोर्स से स्ट्रेच होगी, आंसर है नहीं होगी। यानी इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। बोल सकते हैं इफेक्ट कितना होगा इसका, जीरो होगा, बिकॉज F1 और F2 दोनों क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, इन दो साइडों की, इस साइड की और इस साइड की। अब ध्यान से देखना, ये तो ईजी था, अब थोड़ा सा क्या आ रहा है यहां पर, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि समझ में मतलब आ जाता है, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, गौर से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस साइड की, बात करो किस साइड की, इस वाले साइड की। इसमें करंट कहां की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। देखो कहां है ये मेरे पास लूप है, यूं करके ये लूप मैंने ऐसे रखी हुई है, ये लूप मैंने ऐसे रखी हुई है, दिस इज रेक्टेंगुलर लूप। और किस साइड की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, किस साइड की, इस साइड की बात हो रही है, ये वाली, ठीक है ना। इसमें करंट कहां की ओर है, इधर की ओर है। कहां की ओर करंट, इधर की ओर है। देखो करंट इन दिस डायरेक्शन, जहां को मैंने क्या कर रखा है, अंगुली कर रखा है, आपको ये वाली अंगुली नहीं दिख रही होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, ऊपर की ओर है। फोर्स कहां की ओर है, इधर की ओर है। अब देखो ये फोर्स कहां की ओर है, बताया मेरे को कहां की ओर है फोर्स, कहां की ओर है ये फोर्स, ये फोर्स है हमारा वाई कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, वाई कैप डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास ये कहां की ओर है, दिस करंट इन माइनस एक्स कैप डायरेक्शन है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। ये करंट कहां की ओर है, माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां की ओर है, जेड कैप डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास फोर्स निकल के आएगा वो किस डायरेक्शन में निकल के आएगा, वाई कैप डायरेक्शन में निकल के आएगा, बिकॉज ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो मेरे पास फोर्स निकल के आया किस साइड पर, इस साइड पर, ये जो फोर्स है वो कहां की ओर है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन बना दूं मैं यहां पर, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी कहां की ओर हो जाएगी, दिस विल बी इन माइनस वाई कैप। तो सावधानी से बनाएंगे, तो ये जो फोर्स है वो यहां क्यों लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट अस से दिस फोर्स इज एफ, ये फोर्स कितना है मेरे पास, एफ है। और जो एफ फोर्स है वो इस प्लेन से कितना, ये एंगल कितना होगा बताओ, तो दिस एंगल विल बी थीटा। ध्यान से देखना बात को, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ओके। ये ऐसे ही लेगा फोर्स, ऐसे अलोंग द सरफेस ऑफ दिस लूप नहीं लेगा, कैसे लेगा, एट सम एंगल थीटा लगेगा, ठीक है, बिकॉज द फोर्स इज इन वाई कैप डायरेक्शन, ओके ना। अब यहां पर देखो, अब इस साइड की बात करते हैं, कौन से वाले, ऊपर वाले साइड की बात करते हैं, ओके। उस पर कितना, कहां की ओर फोर्स लगेगा, अब देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस साइड की बात कर रहा हूं, किस वाले साइड की, इस साइड की बात कर रहा हूं। यहां पर करंट कहां की ओर है, इधर की, यानी आपकी ओर, यानी प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, जेड कैप डायरेक्शन में। जो मेरे पास फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कौन सी डायरेक्शन है, माइनस वाई कैप डायरेक्शन। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कहां की ओर लगेगा, माइनस वाई कैप डायरेक्शन लगेगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए चलो कुछ एफ ही बोल दो, ठीक है। तो कहां की ओर लगेगा फोर्स, माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, समझ में आई बात। तो फोर्स विल बी इन माइनस वाई कैप, तो रख दो माइनस वाई कैप, तो लाइक दिस माइनस वाई कैप, तो ये लग गया, इधर को लगा। तो ये जो फोर्स है कहां की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो एफ। अब देखो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रखा, सेम रखा। क्यों रखा सेम, बिकॉज सेम रीजन है, यही रीजन है जो मैंने यहां पर बताया आपको, कि ये जो लेंथ है कितनी है, ए लेंथ है, सॉरी बी लेंथ है। यहां से आते कि लेंथ कितनी है लाइन सेगमेंट की, बी है, और ये लेंथ भी क्या है, बी है। इसमें कितनी करंट है, आई करंट। इसमें कितनी करंट है,
आई करंट है, ठीक है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो दोनों पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी क्या होगा, हमारा सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है डायरेक्शन इज डिफरेंट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब ये एंगल थीटा है, तो यहां पर भी अगर मैं इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाऊं यूं करके, इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा होगा, होगा नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये दो फोर्स मिलकर कुछ न कुछ तो झोल करेंगे ही करेंगे। देखो देखो क्या झोल करेंगे, ध्यान से देखना बात को। अब यहां पर फोर्स कहां की ओर है, ऐसे है, ऐसे नहीं है फोर्स, ये फोर्स ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, हम इनिशियली सोच रहे थे फोर्स ऐसे लगेगा, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, यानी कुछ एंगल बना रहा है यहां पर, और यहां पर फोर्स कैसे है, कैसे दिखाऊं इसको, ऐसे नहीं हो पाएगा, ओके ऐसे समझो, देखो सिर्फ एक फोर्स को लेकर चलते, कौन से वाले, इधर वाले को देखो, इस वाले को देखो, यहां फोर्स कैसे है, ऐसे है, ये फोर्स इधर को लग रहा है ऐसे माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, देखो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इधर को लग रहा है, कहां की ओर, इधर क्यों लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये रोटेट कर देगा, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, देखो ये फोर्स कहां की ओर है, इधर की ओर है, यो करके लग रहा है इधर की ओर, देखो क्या कर देगा इसको, ये रोटेट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको देखूं तो कहां की ओर लग रहा है, इधर की ओर, प्लस वाई कैप डायरेक्शन में, इधर क्यों लग रहा है, तो ये इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, कर रहा है रोटेट, देखो मस्त वाला विजुलाइजेशन भी हो गया, ओके यहां पर लगाया, ये लग रहा है फोर्स प्लस वाई का माइनस वाई का डायरेक्शन में, और रोटेट कर दिया। सिमिलरली ऐसा था, और ये कहां के लग रहा है, इधर को लग रहा है, तो क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब ये दोनों एक साथ लग रहे हैं, मैंने तो अलग अलग दिखाया यहां पर, लेकिन लग कैसे रहे, ये दोनों एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा आपको विजुलाइज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, इसी का मैं क्या करता हूं, एक सिंपलेस्ट वर्जन वाला डायग्राम यहां बनाता हूं। देखो कैसे बना रहा हूं, पहले सबसे पहले इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, इसको क्या बोल दो, दिस इज माई जेड एक्सेस, इसको क्या बोल दो, जेड एक्सेस बोल दो, और इसको क्या बोल दो, वाई एक्सेस, और यहां को इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, एंड दिस इज अवर ओरिजिन। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लूप आपको ऐसे दिख रही थी ना, ये लूप आपको ऐसे दिख रही थी, मैं आपको ऐसे दिखा रहा, ये लूप मैंने ऐसे दिखा रखी है आपको। अभी आप ऐसा अज्यूम करो कि आपको लूप का सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी कौन सा वाला, ये वाला, यानी सिर्फ आपको क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, पूरी लूप नहीं दिख रही है, तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक पोर्शन दिख रहा है इस लूप का, और वो पोर्शन कौन सा वाला है, ये वाला। इस डॉटेड को यहां से उठाओ, पैरेलल शिफ्ट करो और यहां रख दो, रख दिया हमने इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करके, ऐसा कर सकते हैं हम, आंसर हाँ जी कर सकते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको दिखा रही है, लूप को दिखा रही है, ये किसको दिखा रहा है, इस तरीके से लूप को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, यहां से यहां तक, दिस इज, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है, ओके, लाइक दिस, ओके। और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है वो कहां की ओर होगा, इस पर ऐसे नॉर्मल, तो उसमें नॉर्मल खींच दो लाइक दिस, तो सॉरी यार, ये जो मेरे पास एम है, ये क्या है, इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, और ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा, ठीक, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। नाउ अब यहां पर जो लगने वाला फोर्स है कितना है, एफ है, एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन, वो कहां की ओर है, इधर की ओर है, ये फोर्स कहां की ओर है, इधर की ओर है, दिस फोर्स इज एफ, ये फोर्स कितना है, एफ है, और यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो कहां की ओर है, इधर की ओर है, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो एफ, ये वाला फोर्स भी कितना है हमारा, एफ है, ठीक है, समझ में आई बात, ओके okay. अब देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, इस डॉटेड लाइन को थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, डॉटेड लाइन तो किसको दिखा रही है, प्लेन को दिखा रही है, तो उसको सॉलिड बनाता हूं, ठीक है, जो सॉलिड लाइन है वो खाली एक लाइन को दिखा रहा है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, या इसको ऐसा बोल दो, ठीक है, इन दो लाइनों में डिफरेंस है ना, इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंट है, ये लाइन अलग है, ये लाइन क्या डॉटेड लाइन है, जो छोटे डॉट वाली लाइन है वो किसको दिखा रही है, इस प्लेन शीट को दिखा रही है, सॉरी इस लूप को दिखा रही है, और जो बड़े डॉट वाली लाइन है वो खाली एक इमेजिनरी लाइन है। सिमिलरली एक इमेजिनरी लाइन यहां भी खींच दो यूं करके, और इसमें बड़े डॉट बना दो, समझ में आ रही बात, ओके। नाउ दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो इसको मैं दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकता हूं, इस फोर्स को, या इस फोर्स को भी दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकता हूं, वन अलोंग दिस लाइन एंड वन अलोंग परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन, ठीक है। तो जो यहां की ओर होगा, तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा वाला होगा मेरे पास, दिस वन इज एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा ये कौन सा होगा मेरे पास, दिस इज एफ साइन थीटा, ये कौन सा वाला होगा मेरा, एफ साइन थीटा होगा। अगेन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वन इज इन दिस डायरेक्शन, एक कहाँ की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस विल बी एफ कॉस थीटा, एंड अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, जो कैसे होगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा, जो कुछ ऐसे होगा, ठीक है।
एंड दिस वन इज एफ साइन थीटा, ये क्या होगा मेरे पास एफ साइन थीटा होगा, यानी इस फोर्स को और इस फोर्स को मैंने क्या कर दिया उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो ये मेरे पास लूप है, ये मेरे पास क्या है लूप है, इस लूप में जो एफ कॉस थीटा है वो इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में, और जो ये वाला एफ कॉस थीटा है वो किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है, यानी ये एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा एक दूसरे के एग्जैक्ट क्या है अपोजिट है, यानी एक क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये दो एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहां पर जो एफ कॉस थीटा काम कर रहा है वो यहां पर क्या कर रहे थे एफ वन और एफ टू कर रहे थे, तो इस एफ कॉस थीटा और इस एफ कॉस थीटा का वही हाल होगा जो किसका हुआ था एफ वन और एफ टू का हुआ था, यानी ये दो मिलकर क्या बना देंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या बना देंगे जीरो बना देंगे, यानी इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स कितना लग रहा है जीरो लग रहा है, बिकॉज ये दो क्या करते रहे एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहे। अगर आपसे पूछे कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एफ कॉस थीटा, वो उसको इसको इस लूप को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो कर नहीं पाएंगे, यानी क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर इसे हैशटैग बनाकर लिखो एफ कॉस थीटा ट्राई टू स्ट्रेच स्ट्रेच लूप एंड कैंसिल ईच अदर, एंड कैंसिल ईच अदर, दोनों क्या दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब बात करते हैं किसके एफ साइन थीटा की, देखो एफ साइन थीटा कैसे लग रहा है, ये जो मेरे पास लाइन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, देखो ध्यान से ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, यहां पर ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या करेगा देखो मान लिया ये है वो यहां ऐसे इसको पकड़ो, ये जो डॉटेड लाइन है ये है, इस पर फोर्स यहां की ओर लग रहा है आपकी ओर, यहां फोर्स कैसे लग रहा है मेरी ओर है या नहीं है, दोनों ओर के एफ साइन थीटा को देखो ध्यान से, दोनों ओर के एफ साइन थीटा को देखो ये ऐसे ही है, यानी क्या कर रहा है इसको ये एफ साइन थीटा आपकी ओर लग रहा है, ये वाला एफ साइन थीटा इधर की ओर, यानी ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है घुमाने की कोशिश कर रहा है यूं करके एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा क्या करने की कोशिश कर रहा है घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी कहें दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी एफ साइन थीटा ये वाला एफ साइन थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा दोनों कहें दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी यहां पर भी नेट फोर्स कितना है जीरो है, लेकिन ये दो फोर्स क्या करना चाह रहे हैं इसको इस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं, एंड दिस रिंग इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस, ये जो रिंग है वो इस तरीके से रोटेट करने को क्या है फ्री है, किस तरीके से इस तरीके से, और जो एफ साइन थीटा वो कैसे है ऐसे है, और यहां पर कैसे है ऐसे है, समझ में आई बात इतनी ओके। तो देखो यहां पर लिख के चलते हैं, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, देखो एफ साइन थीटा को देखो जुप हो रहा नहीं हो रहा जुप यूं इसको पकड़ा यूं करके एफ साइन थीटा को नीचे लाया, ये कहां ले गया ऊपर ले गया जुप दोनों साथ, तो क्या हो जाएगा ये जो पूरी मेरे पास ये क्या है एक रेक्टोरल लूप है वो क्या कर जाएगी इस तरीके से रोटेट कर जाएगी, यानी ये क्या इनका रिजल्टेंट क्या होगा एक टॉर्क होगा, यानी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है, तो एफ साइन थीटा जो एफ साइन थीटा है प्रोड्यूस टॉर्क, क्या करेगा ये प्रोड्यूस्ड टॉर्क टॉर्क एंड ट्राई टू रोटेट लूप को रोटेट करने क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है ओके। नाउ अब तो टॉर्क लग रहा है यानी क्या प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दैट टॉर्क, जो टॉर्क है वो कितना होगा, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, जो टॉर्क यहां पर लग रहा है उसका क्या निकालना है हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिख के चलो नाउ वी हैव टू फाइंड कहां लिखें इधर लिखें, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, देखो हमने एक चीज पढ़ी है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, क्लास 11th में अगर हम जाएं टॉर्क इक्वल टू हमने पढ़ा है फोर्स जिस कपल ऑफ फोर्स वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है। अब देखो इन दो कपल ऑफ फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इतनी तो है जितनी यहां से यहां तक डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज ए, कितनी है ये डिस्टेंस ए है, ये तो है वो चीज ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है ए है, तो यहां से यहां तक ये चीज कितना है ए है, तो यहां पर टॉर्क अगर मैं टॉर्क को एन से दिखाऊं तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा
तो फोर्स कितना है मेरे पास, एफ साइन थीटा, नॉट एफ कॉस थीटा है, और नॉट एफ, सिर्फ किसकी बात होगी यहां पर, एफ साइन थीटा की बात होगी। तो दिस विल बी एफ साइन थीटा इंटू द डिस्टेंस बिटवीन, कपल ऑफ फोर्स ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू ए, तो कितना आ जाएगा ये, इंटू ए आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो एन निकल के आया वो कितना निकल के आया, एफ ए साइन थीटा निकल गया। ये क्या निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकला, क्या निकला ये, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकला। अब मुझे क्या चाहिए, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे उसका डायरेक्शन भी चाहिए, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब डायरेक्शन निकालने के एक बार थोड़ा सा सोचो इसको, थोड़ा एक काम करूं मैं इस एक्स एक्सिस को पीछे घुमा दूं करके, मतलब पीछे बढ़ा दूं करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो टॉर्क की डायरेक्शन है उसे फाइंड करना चाह रहा हूं। अब ये यहां पर मैंने लूप रखी है, ये कैसे घूम रही है, देखो कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कैसे, ऐसे, यानी अगर घूमेगा पूरा ये तो ऐसे घूमेगा, यानी जो रोटेशन है वो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, रोटेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो टॉर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी क्या रूल होता है, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं टॉर्क हम। ठीक है, तो ऐसे राइट हैंड को घुमाओ जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जो लूप है वो एक्सेस और रोटेशन के अबाउट जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में अपने उंगलियों को घुमाओ, और जहां की ओर थंब पॉइंट करता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, टॉर्क की होती है। तो थंब कहां की ओर पॉइंट कर रहा है, इस तरीके से घुमाने में, कहां की ओर, आपकी ओर पॉइंट कर रहा है, और आपकी ओर का जो एक्सेस है वो कौन सी एक्सेस है, एक्स कैप एक्सेस है। इन जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में होगा, हमारा एक्स कैप एक्सेस में होगा। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो यहां से मेरे पास एन वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा, एक्स कैप आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म, तो ये क्या निकल के आ गया मेरा, यहां पर वेक्टर फॉर्म निकल के आ गया। ओके, नाउ अब यहां पर अभी ये कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं आ रखा है, क्योंकि हमको यहां पर एक अननोन है, वो अननोन क्या है, दिस फोर्स इज एफ, दिस फोर्स एफ इज अननोन, कि इस लाइन सेगमेंट में लगने वाला फोर्स कितना होगा ड्यू टू दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, इस बी के कारण ये फोर्स कितना होगा, तो क्या निकाल दें, फोर्स निकाल दें। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स एफ, किस फोर्स की बात हो रही है, एफ फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एक चीज हमने पढ़ी थी कि फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई इंटू इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी होता है। तो यहां से मेरे पास एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू, नाउ डी एल का मतलब क्या होगा, इसमें मुझे, मैं कोई क्या लूंगा, लाइन एलिमेंट लूंगा, एंड दिस डी एल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये डी एल इंटू माइनस का एक्स कैप एंड क्रॉस कितना आ जाएगा, बी इंटू जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, एंड बी इज यूनिफॉर्म, बिकॉज हमने यूनिफॉर्म अज्यूम कर रखा है, तो यहां से मेरे पास एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू बी, एंड इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी एल, और अंदर कितना बच गया, माइनस का एक्स कैप, क्रॉस कितना आ जाएगा, ये जेड कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड माइनस एक्स कैप क्रॉस जेड कैप कितना होता है, वाई कैप होता है, कितना होता है ये, वाई कैप, तो वाई कैप इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और डी एल का इंटीग्रेशन, सॉरी क्या आ जाएगा, ये आई बी इंटू वाई कैप, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन मतलब दिस टोटल लेंथ यहां से यहां तक, एंड दिस टोटल लेंथ इज इक्वल टू बी, तो दिस विल बी इक्वल टू आई बी बी इंटू वाई कैप। तो ये क्या है मेरे पास, फोर्स है। अगर से मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बी बी हो जाएगा, आई बी बी। तो इस फोर्स को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो देखो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, जो टॉर्क एन वेक्टर है, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ की जो कितना पुट कर देंगे हम, आई बी, फिर ये ए बी हो जाएगा यहां पर, आई बी इंटू ए बी, और इंटू कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा, और ये कितना आ गया मेरे पास, एक्स कैप आ गया। तो यहां से मेरे पास दिस एन वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, एक चीज देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायपोल मोमेंट एम, इस एम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, निकाल सकते हो आप, क्या होता है अगर मेरे पास कोई एक लूप है इस तरीके से, इसका मैं डायपोल मोमेंट निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो सिंस वी हैव, जो मेरे पास एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, आई इंटू एरिया होता, नहीं होता है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, तो दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू, दिस इज रेक्टेंगुलर, तो ए इंटू बी हो जाएगा, तो आई ए बी, आई ए बी, आई ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो जो यहां पर आई और ए बी, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एम बना रहे हैं, बना रहे नहीं बना रहे, आंसर हाँ जी बना रहे हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये
m इंटू बी और इंटू कितना आ जाएगा साइन थीटा, और ये कितना आ गया मेरे पास x कैप आ गया। तो दिस इज माय एक्सप्रेशन। तो ये क्या है मेरा एक्सप्रेशन है, जब मैं किसी एक डायपोल को कहाँ रखता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है, इतना होता है कि n वेक्टर इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा एक्स कैप। अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, या तो ये एंगल है या फिर ये एंगल है, ठीक है, दोनों क्या है सेम है, यानी हम ऐसा बोलते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी, है या नहीं है। देखो एम और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि दिस एन वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। दिस इज मोर फेमस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा फेमस है। एन वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगा दो, डबल स्टार लगा दो, एन वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, नॉट बी क्रॉस एम, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे पता चला, बिकॉज जो ये n आना चाहिए किस डायरेक्शन में आना चाहिए, एक्स कैप डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कब आएगा जब हम क्या करेंगे n क्रॉस b करेंगे। अगर मैं b क्रॉस n कर दूंगा तो कहाँ की हो जाएगा, ये माइनस एक्स कैप डायरेक्शन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर m क्रॉस b करना पड़ेगा ताकि वो किस डायरेक्शन में आए, प्लस एक्स कैप डायरेक्शन में आ जाए। तो यहाँ से मेरे पास n वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, ये m क्रॉस b आ गया, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ कभी कभी यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस लूप में जब हमने इस लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब इसमें लगने वाला फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है। देखो फोर्स तो लग रहा है, लग रहा है ना फोर्स, अभी तो वही तो क्या हमने फोर्स तो देखा इधर उधर से, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस लूप में लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना है, आपका आंसर कितना होगा, जीरो होगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि किसी भी क्लोज लूप को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें लगने वाला, या फिर ऐसे बोलेंगे हम कि किसी भी हम क्लोज करंट कैरिंग लूप को किस में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक बार उसको देख लें हम, तो यहां पर हम ऐसे हैंड डालेंगे, तो इसे मिटाऊं मैं, देखो ये हो गया ना, ये सब हो गया, तो इसे मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना हाँ, थोड़ा सा पीछे करके। एक चीज मुझे बताओगे कि ये जो मेरे पास टॉर्क है इसकी फितरत कैसी है, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये जो टॉर्क मैंने यहां पर लगाया है, ये टॉर्क जो लगा है यहां पर इन एक्स कैप डायरेक्शन, इसकी फितरत कैसी है, ये क्या करना चाह रहा है। अगर थोड़ा बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक डायपोल को, इस जो मेरे पास लूप है इसको ऐसा करना चाह रहा है, देखो लूप ऐसे है ना, इस लूप को ये ऐसा करना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है, यूं करके घुमाना चाह रहा है, या फिर ऐसा बोलते हैं ये मैग्नेटिक डायपोल है, अगर ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब ये एम बी तो ऐसे इधर को आएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये जो डायरेक्शन है जेड का डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है या नहीं, जो बी है वो किस डायरेक्शन में है, जेड का डायरेक्शन में है। तो जैसे ही मैं इस मैग्नेटिक डायपोल में क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो ड्यू टू दिस टॉर्क दिस मैग्नेटिक डायपोल वांट टू कम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मेरे पास क्या है मैग्नेटिक डायपोल है वो किस डायरेक्शन माना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन माना चाह रहा है, यानी उसके अलॉन्ग अलाइन होना चाह रहा है। यानी टॉर्क की फितरत क्या रहती है, टॉर्क की फितरत यह रहती है कि वो मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करना चाहता है, अलाइन करना चाहता है, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। तो यहां पर हम लिख के चलेंगे, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, वो फोर्स वाली बातें भी करेंगे हम, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे हैशटैग बना के लिखो, टॉर्क टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड, और इस केस में कहाँ की ओर है वो, जेड कैप डायरेक्शन में, यानी ये जो डायपोल है ये एम है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अल्टीमेटली फाइनली जेड कैप डायरेक्शन में आ जाएगा, यूं करके, समझ आई बात, ओके। नाउ एक चीज और,
फोर्स ऑन नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कितना होता है ये? जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? सिंस वी नो द फोर्स ऑन एनी लूप इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आई इंटू, कितना होता है? डी एल क्रॉस बी होता है। एंड इफ अवर लूप इज क्लोज्ड, अगर हमारे पास लूप कैसी हो? क्लोज हो, तो दिस क्लोज द इंटीग्रेशन विल बी क्लोज इंटीग्रेशन। एंड वी आर सेइंग हियर कि दिस बी इज कॉन्स्टेंट, बी इज यूनिफॉर्म, तो इट कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो मेरे पास एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? आई, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, तो डिस्प्लेसमेंट और क्रॉस कितना आ जाएगा? ये बी आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ये क्या है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी इनफाइनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसको मैं क्या करूंगा? क्लोज लूप के ओवर इंटीग्रेट करूंगा, तो आंसर कितना आता है? जीरो आता है। ये चीज हमने बहुत बार क्या कर रखे? डिस्कस कर रखे, ठीक है? यानी जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट में क्या हो जाएंगे? वापस लौट जाएंगे। इफ दिस थिंग इज जीरो द फोर्स विल बी जीरो, जो नेट फोर्स होगा कितना हो जाएगा? ऐसे यहां पर क्या लिख दो? नेट फोर्स लिख दो। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी आपको यहां पर क्या कर सकता है? वो कंफ्यूज कर सकता है। और लास्ट में ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है। इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक फॉर्मूले की याद और आ रही होगी, और वो फॉर्मूला है हमारे पास क्या? कि टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन वी प्लेस्ड इन इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ई। होता है, नहीं होता है? जहां पी क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी दोनों का नेचर कैसा होता है, सॉरी दोनों की प्रवृत्ति क्या है? सेम है। यानी जैसा यह दिख रहा है वैसा यह भी दिख रहा है, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन यहां पर जो P है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। यहां पर जो M है वो क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। नाउ एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, अगर 35 मिनट से कम हुआ होगा टाइम तो मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, अगर ज्यादा हो गया होगा तो फिर उसको यहां पर क्या कर देंगे? रोक देंगे, ठीक है? टाइम हो गया है हमारा 42 मिनट, तो अभी वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं क्या करूं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने की कोशिश करूं, ठीक है? ये जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्चुअली क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई हो, मैंने थोड़ा मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझाया है मैंने, ठीक है? इतना मेरे को लग रहा है, आई होप समझ में आया होगा। इतने के बाद तो नहीं आया फिर तो फिर गड़बड़ है यार, ठीक? ओके, एक चीज और बता दूं यहां पर मैं, अगर आपसे कोई पूछे ये तो क्या था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या हो जाएगा? देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब इस लूप को हम रखेंगे तब वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तब वहां पर जो फोर्स होता है वो कितना होता है मेरे पास? दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी के बराबर होता है, ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी, यानी फोर्स ऑन डायपोल इन प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो बी है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ऐसा बी नहीं है, कॉन्स्टेंट बी नहीं है, यूनिफॉर्म बी नहीं है, कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? सुन भाई बात, तो ये फॉर्मूला क्या रखना? याद रखना, ठीक है? वैसे भी याद ही रखने के लायक है, होगा ठीक? कभी कभी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप वहां पर इस फॉर्मूले को बताकर किसी भी एग्जामिनर को क्या कर सकते हो? इंप्रेस कर सकते हो, तो इंप्रेशन दिलाने के लिए एक अच्छी चीज है, ठीक? तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक? कभी कभी अगर आपको अपनी गांव की लैंग्वेज पता होती है तो आपको बहुत जगह क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो उसी तरीके से ये जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो आपको अलग दिखाने के लिए, भीड़ से अलग करने के लिए क्या होती है? बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो लगने वाला फोर्स होगा किसी एक डायपोल में या बोलते हैं करंट कैरिंग लूप में, अब करंट कैरिंग लूप और डायपोल दोनों एक ही चीज़ है। अब इतना सब पढ़ने के बाद ये पूछोगे तो कभी लूप कभी डायपोल क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है। ओके, ठीक हो गया, तो बस इतना ही आज। कल क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर बात करेंगे किसके, फिर देखेंगे, ठीक है? अभी मैंने प्लान नहीं बनाया, लेक्चर प्लान बनाना है, फिर देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।